मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। क्या पढ़ रहे थे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, यानी दो टर्म के बीच में क्या होना चाहिए, आपका प्लस या माइनस होना चाहिए। तो टर्म की पहचान कैसे करेंगे? एक्स मिलना, खोजना स्टार्ट कीजिए, यहाँ से चलना स्टार्ट किए। एक्स मिलना मतलब ये देखिए, एक्स मिलना मतलब एक टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, ये दोनों टर्म के बीच में माइनस है और ये दोनों टर्म के बीच में प्लस है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल में सेपरेट डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब हर टर्म को अलग अलग डिफ्रेंशिएट। सबसे पहले हम इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो थ्री को रोकने वाला कोई नहीं है तो ये बाहर। सिर्फ डिफ्रेंशिएशन किसका होगा? टेन फाइव एक्स, तो डी के बाद एक ब्रैकेट लेना है, टेन फाइव एक्स। बंद किसको करेंगे? टेन को बंद किया तो नीचे में कौन आया? फाइव एक्स। अभी भी डिफ्रेंशिएशन इस वाले टर्म का कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि प्योर एक्स नहीं मिला। ये फाइव एक्स कहाँ चला जाएगा? ऊपर। लेकिन ये फाइव को रोकने वाला कोई नहीं है तो ये फाइव बाहर, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स। ये टर्म का डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग काम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? बेस और पावर, नीचे में क्या आ जाएगा? बेस। एक्स मिला मतलब डिफ्रेंशिएशन इस वाले टर्म का भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है? प्लस, तो यहाँ प्लस दी है। साइन फाइव एक्स, साइन को बंद करेंगे, नीचे में क्या आएगा? फाइव एक्स। फिर ये ऊपर, फाइव बाहर, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होता है। थ्री का थ्री, टेन का सेक स्क्वायर, एंगल बनेगा ये वाला, फाइव जैसा का तैसा, और डी एक्स बाई डी एक्स हमेशा वन होता है। माइनस, ये माइनस, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? कॉस, और फाइव एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट रूल में क्या देखते हैं हम लोग? दो टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहे तो उसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। पहले वाले को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लिए, दूसरे वाले को सेकेंड फंक्शन। वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, पहला रेस्ट करेगा, फर्स्ट रेस्ट। रेस्ट का मतलब हुआ जैसा पहला फंक्शन है वैसा ही लिखना है, इनटू सिर्फ डिफ्रेंशिएशन होगा दूसरे वाले का, यानी जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा। तब तक ये नाराज हो जाएगा, बोलेगा अरे इसका डिफ्रेंशिएशन किए है, मेरा क्यों नहीं किए। तो अब क्या देना है? प्लस देना है। क्या देना है? प्लस। अब की बार क्या होगा? सेकेंड वाला रेस्ट करेगा, यानी जैसा का तैसा, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा? पहले वाले का। वाई इक्वल टू साइन एक्स ई पे पावर एक्स, ये साइन एक्स एक टर्म है और ई पे पावर एक्स दूसरा टर्म है, ये दोनों टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अगर हम लोग ये कहें, इसको हम लोग पहला फंक्शन और इसको हम लोग दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पहला रेस्ट किया मतलब साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू सिर्फ डिफ्रेंशिएशन किसका? ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो ई को बंद किए, नीचे में क्या आया? एक्स आया, यानी इस वाले का डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया, मतलब दूसरा का डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया। फिर प्लस, डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट मतलब आ गया, बढ़ जाइए। अब क्या होगा? दूसरा रेस्ट करेगा, डिफ्रेंशिएशन किसका? पहला। तो साइन एक्स, साइन एक्स, एक्सपोनेंशियल जैसा का तैसा, प्लस है तो प्लस, ई पे पावर एक्स, ई पे पावर, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिवीजन रूल की। डिवीजन रूल में क्या करते हैं हम लोग? दो टर्म होगा वो एफ एक्स ऊपर और नीचे एक रहेगा, तो ऊपर वाले को हम लोग हाई बोले और नीचे वाले को लो। वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, इसका एक फॉर्मूला आता है, डिवीजन अगर फंक्शन हो तो उसको लो लो फिर क्या, लो 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 फिर लो। पहले हम लोग बड़े आदमी को सम्मान देते हैं, मतलब पहले किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे? हाई का। मल्टीप्लिकेशन में प्लस हुआ था,
इसीलिए डिवीजन में क्या होगा, माइनस होगा, डिवीजन में क्या होगा, माइनस, तो यहाँ माइनस दे दिए। अब की बार क्या हुआ, अब हाई का डिफ्रेंसिएशन कर चुके हैं तो हाई बाहर और डिफ्रेंसिएशन किसका, लो का। वाई इक्वल टू साइन एक्स बाई लॉग एक्स, एक फंक्शन ऊपर है, एक टर्म दूसरा नीचे है और दोनों डिवीजन के फॉर्म में है, तो लो लो फिर लो। डिफ्रेंसिएशन ऑफ हाई, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन, साइन को बंद किए तो नीचे में क्या आया, एक्स आया, यानी एक्स मिलना मतलब खुशी मनाने का मौका मिल गया, यानी डिफ्रेंसिएशन मेरा इसका कंप्लीट हो गया। तो डिवीजन में क्या देना है, माइनस, तो माइनस दे दिया। अब क्या करेंगे, हाई बाहर और डिफ्रेंसिएशन किसका, लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स जैसा का तैसा, डिफ्रेंसिएशन किसका किए हैं, साइन का, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाय एक्स, लो लो लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोग बात ये कर लेते हैं कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस टेन एक्स, अभी तक जो भी डिफ्रेंसिएशन करते थे हम लोग तो नीचे में एक टर्म आता था, यहाँ पे क्या है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, दो दो टर्म है, और या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, या फिर क्या क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और डिवीजन हो सकता है, तो अभी मेरे पास प्लस और माइनस है, तो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर। बस ध्यान ये रखना है कि हमेशा जब भी तुमको दो या दो से अधिक टर्म मिले तो ब्रैकेट ले लेना है, अगर प्लस और माइनस है तो सेपरेट डिफ्रेंशिएट ईच टर्म, अलग अलग ये दोनों टर्म को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना, ये काम कब करना है, जब नीचे में दो या दो से अधिक टर्म मिले तो हमेशा क्या लेना है, ब्रैकेट लेना है। अच्छा अब क्या होगा, यहाँ पे देखा जाए दो टर्म के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ फिर ब्रैकेट लेना है, और क्या रूल यूज करना है, प्रोडक्ट रूल। यहाँ भी दो टर्म मिला क्या, ऊपर तो जाएगा लेकिन क्या होगा, डिवीजन रूल होगा। चार ही तरह का ऑपरेशन होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, y इक्वल टू साइन लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो y का डिफ्रेंसिएशन dy वाई बाई डी एक्स, साइन को बंद किए, नीचे में क्या आया, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सर यहाँ पे तो दो दो टर्म है, दोनों टर्म के बीच में क्या है, प्लस है, तो झट से एक ब्रैकेट ले लेंगे और दोनों टर्म को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लॉग एक्स, लॉग को बंद किए, नीचे में क्या, एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएशन इसका कंप्लीट हो गया, प्योर एक्स मिल गया। फिर प्लस है तो प्लस, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन नीचे में एक्स आ जाएगा। साइन को बंद किए थे ना, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, ये खोजेगा एंगल, तो ये एंगल बन गया। ये क्या लिए है, एक ब्रैकेट लिए, तो यहाँ भी ब्रैकेट, लॉग का डिफ्रेंसिएशन वन बाय डब्बा, तो नीचे में एक्स है तो वन बाय एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स, और बीच में क्या है, प्लस, ब्रैकेट बंद। दो क्वेश्चन हम सेल्फ के लिए दिए हैं, ये दो क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। अच्छा ऐसा हो सकता है कि वाई इक्वल टू टेन ई पे पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, d फिर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 10। सर जैसे ही हम 10 को बंद करेंगे नीचे में कौन आएगा, e पे पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। अरे सर यहाँ दो दो टर्म आ गया, तो झट से एक ब्रैकेट ले लेंगे, ब्रैकेट ले लिए, क्योंकि प्रोडक्ट है इसलिए क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो ये पहला और ये दूसरा, तो पहला रेस्ट किया, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, जैसे ही x मिला यानी डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो गया, फिर क्या, प्लस, प्रोडक्ट रूल में बताए थे प्लस होता है। अब क्या होगा, दूसरा रेस्ट करेगा और पहले का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो 10 का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर, और ये एंगल बन गया, ब्रैकेट है e पे पावर x, x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंसिएशन जैसा का तैसा, साइन log x बाय x स्क्वायर, साइन log x बाय x स्क्वायर, साइन को बंद करेंगे, नीचे में क्या आएगा, log x बाय एक्स स्क्वायर, और ये जैसे ही ऊपर जाएगा, अरे सर एक फंक्शन ये है दूसरा ये है, तो ब्रैकेट लेना है, और क्या यूज करना है, डिवीजन रूल। क्या यूज करेंगे हम लोग, डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल में क्या करेंगे, लो लो तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर फिर लो,
लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, वन बाय एक्स माइनस लॉग एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स।